तो हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूँ हमारे इंडियन मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही जानू स्टंट्स की साइड से। तो कल उनकी तरफ से एक वीडियो आउट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि आशीष कोहली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि बहुत सही बात है। मैं आपको वीडियो में थोड़ी आगे चल के बताऊंगा कि उन्होंने बहुत बार वन साइडेड जर्नलिज्म किया है। तो पिछले कुछ दिनों से आशीष कोहली की साइड से बहुत ज्यादा न्यूज कवर हुई है मोटो व्लॉगर्स के अगेंस्ट, जिसमें स्पेसिफिकली स्टंटबाजी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो इस पे जानू स्टंट्स ने कुछ बोला है, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ जर्नलिस्ट, ठीक है, वो मेरे को मैं मतलब कि कई चीजों में देखता हूं टैग किया होता है भाई, रैश ड्राइविंग को मतलब कि किसी और ही नाम से बुला रहे हैं, स्टंट बाज, रैश राइडिंग स्टंट बाज, क्या कुछ सेंस बनती है? स्टंट राइडिंग ही होती है भाई जो हम करते हैं, ठीक है। देखिए, एक एक किलोमीटर एक टायर पे रोलिंग स्टॉप करते हैं, सर्कल वीलिंग करते हैं। जे एंड के को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भाई स्टंट राइडिंग को लेकर, ठीक है। मैं जे एंड के को कितनी बार रिप्रेजेंट किया, मेरे पास इतने ट्रॉफी, इतने मेडल्स और इतने सर्टिफिकेट्स बड़े हुए ना इन चीजों के, अभी आना घर पे दिखाऊंगा सर आपको, ठीक है। तो मेनली उन्होंने ये बोला है कि स्टंट राइडिंग एक स्पोर्ट है जिसकी रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं आशीष कोहली, और जो आशीष कोहली ने अपनी वीडियोस में कवर करा था वो मेनली रैश राइडिंग थी, जो जानू स्टंट्स ने कभी प्रमोट नहीं की है। और उन्होंने जब भी स्टंट परफॉर्म किया वो एक खाली जगह पे किया है, जगह नहीं है जम्मू में तो कहाँ करें, सिद्धरा पे साइड में करने, बीच में तो करनी है, गाड़ियों को रोक के बीच में तो स्टंट राइडिंग करनी, साइड में करते हैं, इतनी दिक्कत है, कोई जगह दिलवा दो, कोई ढंग की बात करो ना भाई। तो भाई वो भी मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आशीष कोहली वन साइडेड जर्नलिज्म करते हैं। उनकी वीडियो डाल दी और हम गरीबों की नहीं डाल रहे हैं। उस मुड़े ने उसे चुकिया वाइपर, वाइपर चुकी है, नी दे धड़ाधड़ वाइपर मारना, पंप उस मुड़े ने चुकिया, इस मुड़े की पिट्ठी ऊपर लता ऊपर करीब पिछले हफ्ते की जब दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो एक लड़के ने इस लड़के को, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इसको वाइपर से मारा था। लेकिन आशीष कोहली ने जिस लड़के ने इसको वाइपर से मारा था उसकी वीडियो कवर किया, इन लोगों की नहीं कवर करी, जिससे इनकी बहुत ज्यादा रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे हो रही है पूरी सोसाइटी में और पूरे जम्मू में। तो ये यार वन साइडेड जर्नलिज्म ही है आशीष कोहली की साइड से। तो भाई सॉरी, आशीष कोहली को ज्यादा एक्सपोज करते करते हम थोड़ा टॉपिक से बदल गए थे, अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भाई जानू स्टंट्स की उसी वीडियो में उन्होंने वाइल्ड वुल्फ के लिए कुछ बोला था, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बोला कि भाई स्टंट राइडिंग करते हैं उनको पकड़ो ना, ये है वो है। तो भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, तेरे को रिप्लाई करूंगा, तू समझ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप सब समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तू जब तेरा कुछ भी नहीं ना था, तो मेरे पास आया था कि जानू भाई मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर, तो जानू भाई मेरी बाइक पे आरएसपी स्टंट दिखा दो, ये है वो है। तो उस टाइम काम पर गया था भाई कि स्टंट राइडिंग का क्राइम है, इनको अंदर डालो, हम जैसे बंदूक क्यों पकड़ते हो, ये है वो है। तो भाई ये वीडियो काफी लंबी है, तो अगर आपको फुल वीडियो देखना तो लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो भाई जानू स्टंट्स की इस वीडियो के बाद सैम स्टंट्स की तरफ से कुछ स्टोरीज आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें मेनली द वाइल्ड वुल्फ मिल जाएंगे आपको। मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी, इफ आई प्रमोट एनी स्टंट राइडिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल यू कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मी। मैंने ये ब्लॉग इसलिए शूट किया क्योंकि ना मेरी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई है भाई, बुरा लगा मेरे को कि ऐसे मेरे साथ क्यों किया यार। बाकी सारे स्टंट राइडर्स हैं जम्मू में जो स्टंट राइडिंग को, जाके उनको पकड़ो ना के मुझे। रुको जरा, खुद ही देखेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, तुझे आते है, तू परफेक्ट मारता, मार जरा दो चार, मार मार मार, दिखा इनको दो चार स्टंट मार के, तो देख रहे हो, देखना। तो भाई अगली अपडेट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैं किसी मोटो ब्लॉगर के साथ में हूँ और ना ही उसके अगेंस्ट, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं आलियान राइडर के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि उनका थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो कल आफ्टर 7 डेज उनके चैनल से एक वीडियो आउट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे एक न्यू सुपर बाइक लाने वाले हैं। तो प्लीज 50,000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना इस वीडियो पे और जल्दी से अपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, फिर हम निकलेंगे एक अच्छी सी सुपर बाइक लेने के लिए। अब खैर बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है अविद मलिक की साइड से। तो उनकी तरफ से एक व्लॉग आउट हुआ है जिसमें उनकी मॉम थोड़ी इमोशनल हो गई थी उनकी व्लॉगिंग स्ट्रगल को देख के, मैं थोड़ी क्लिप दिखा देता हूं। बारिश में जा रहा, धूप में जा, तेरी बाजू देखो बिल्कुल काली, इतनी टैनिंग हो गई तेरे बाजू, नहीं मान करता, मैं नहीं देख सकती बेटा तुझे ऐसे, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती अब। तो भाई अगर आपको ये वीडियो देखी है तो इसका लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और भाई ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं कौन नए वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।